दोस्तों मैं तो रूम फिर से एक नया ट्यूटोरियल लेके आ गया जो फोटोशॉप के ऊपर है। जो लोग मेरा फोटोशॉप ट्यूटोरियल देखता है उनके लिए है। तो ये मेरा चैनल है दोस्तों टेक ट्यूटोरियल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकता है आप लोग इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रिप्स है, क्योंकि ये आपको बहुत काम में आएगा। और दूसरी बात यह है, ये फोटोशॉप सीखने के लिए आपको इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो बहुत सारा चार्जेस आपको ले लेगा। तो जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करते हैं, फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने पिक्चर इम्पोर्ट कर लिया है, आप एक पिक्चर यहाँ से प्लेस से इम्पोर्ट कर लीजिए। मैं प्रेफर करता हूँ कि प्लेस से पिक्चर को इम्पोर्ट करना, ये मुझे अच्छा लगता है। और कोई भी लोग कुछ भी कर सकता है, जैसे कि मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आप डबल क्लिक करके भी या ओपन करके भी पिक्चर ला सकते हैं। तो कोई भी इमेज में काम करने से पहले उसका जो लॉक होता है ना, इमेज लॉक, उसको ओपन कर लेना चाहिए। तो उसके लिए ये लेयर के ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ मेरा हाथ हैंड साइन जो दिख रहा है उसके ऊपर डबल क्लिक करिए। तो ये लेयर जीरो नाम दिखा रहा है, मतलब ये कन्वर्ट होके लेयर जीरो में आ जाएगा। ये बैकग्राउंड दिख रहा है, ये लेयर जीरो में होगा। अगर ये आप कुछ नाम देंगे तो वो वही हो जाएगा। तो मैंने जैसे टेक नाम दिया तो टेक हो जाएगा, देखा ना, टेक हो गया। तो आज जो दिखाने वाला हूँ एक नॉर्मल फोटो हो, जैसे कि आप कोई आपका गर्लफ्रेंड या फादर या मदर का पिक्चर से उसको ऑयल पेंट जो होता है ना, मतलब ऑयल से पेंट होता था ना पहले का जमाने में। तो आजकल ये सब चीज का बहुत डिमांड है, आप उसको एक अच्छा शोकेस बना के घर में फ्रेम कर देंगे तो दिखने में अच्छा लगेगा, फोटो से तो काफी अच्छा लगता है। तो गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो वहाँ गिफ्ट भी कर सकते हैं आप, एक फोटो फ्रेम में डाल के और ऑयल पेंट इफेक्ट के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक काम कर दूँ, ये जो पिक्चर है इसको मैं एक बार ऑयल पेंट जो इफेक्ट है वो डाल के आप लोगों को आज दिखाऊंगा। यही मेरा आज मेन ट्यूटोरियल है। तो जाएंगे दोस्तों फिल्टर में जाने के बाद ऑयल पेंट है, ऑयल पेंट जाने के बाद ऐसे ही बाय डिफॉल्ट हो जाता है, मतलब ये जो खराब है ये ऑयल पेंट टाइप का इफेक्ट आ गया लेकिन इतना अच्छा नहीं है। तो इसका जो शाइनी है इसको आप ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा शाइन करेगा, इसको थोड़ा 0.05 रखिए। ये एक्चुअली इमेज साइज के ऊपर बेस्ड है, इसको आप छोटा बड़ा करके देखना पड़ेगा। इसके बाद इसको थोड़ा बढ़ाइए, इसको थोड़ा बढ़ाइए, आपको देखिए एक अच्छा ऑयल पेंट का इफेक्ट आ रहा है, लग रहा है कि ये पेंटेड है। तो उसके बाद ओके कर दीजिए, तो ये इफेक्ट आ गया, जैसे कि लग रहा है कि कोई पेंटिंग है। और इसके ऊपर आप ह्यू अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपका शॉर्टकट है कंट्रोल यू, हाँ। उसके बाद कलराइज ऑन कर लीजिए और ग्लूइज कर दीजिए, हाँ ग्रीनिज कर सकते हैं, यूलिस ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और ना ही भी करेंगे अगर आप पिक्चर को ऐसे ही रखेंगे तो भी चल जाएगा, इसको आप फाइल से सेव करके जेपिंग में कर सकते हैं। जैसे कि मैं दूसरा पिक्चर, ये तो सादा पिक्चर था, मतलब व्हाइट पिक्चर था, मैं इस टाइप का पिक्चर कलरफुल पिक्चर में एक बार करके दिखाता हूँ। तो मैंने लिक्विफाई नहीं, यहाँ से आपको लेना पड़ेगा ऑयल पेंट ले लिया, अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसको बहुत कम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये पिक्चर खराब हो रहा है ना, ये इतना नहीं चाहिए हमको, ऑयल पेंट भी चाहिए और जो कैरेक्टर है वो भी देखना चाहिए। ये जो टेक्सचर है ये आगे पीछे जा रहा है, यहाँ से भी आपको अच्छा लगेगा देख के। तो ये जो फेस का शेप है वो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खराब हो गया तो पूरा चीज ही गया। तो ऐसे करके आप साइन कर सकते हैं, कितना आप डेंथ देंगे मतलब डेप्थ उसके हिसाब से ये आप बढ़ाइए, तो ये ऑयल पेंट इफेक्ट आपका इमेज में आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको पिक्चर में सेव कर लीजिए और प्रिंट करा के रख दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए मेरा वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। दोस्तों आपको मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा है, और आज के लिए बाय बाय।